बैक टू सैफीज किचन। आज हम बनाएंगे चिकन चौरिस्तान। चिकन चौरिस्तान ही बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन, चार टमाटर, एक कप दही, चार से पांच हरी मिर्चें, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बड़ा चम्मच देसी घी, थोड़ी सी कसूरी मेथी, एक चम्मच गरम मसाला, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और एक चम्मच ज़ीरा। पैन में घी ले लेंगे। हो गया है, अब हम इसमें चिकन डाल लेंगे और इसे ऑफ वाइट कलर होने तक पका लेंगे। हमारा चिकन ऑफ वाइट हो गया, अब हम इसमें टमाटर डाल लेंगे। इसे हाई फ्लेम पे ढककर पका लेंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए, अब हम इसकी स्किन हटा लेंगे। हमारे टमाटर पे से स्किन उतार दिया, अब हम इसमें नमक डालकर इसे पका लेंगे। हम टमाटर को स्पून की हेल्प से मैश कर लेंगे। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। हमारी चिकन ने तेल छोड़ दिया, अब हम इसमें सारे मसाले डाल लेंगे। अब हम इसे दोबारा 5 मिनट के लिए पका लेंगे और अब हम इसे बिना ढके बनाएंगे। अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल लेंगे। अब हम लो फ्लेम करके इसमें दही डाल लेंगे और हमें दही डालते ही इसे चलाना है ताकि हमारा दही फट ना जाए। और इसे जब तक हमारा पानी नहीं सूख जाता तब तक पका लेंगे। अपने सालन में सूखी मेथी को डाल लेंगे और सूखी मेथी को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हमारा चिकन चौरिस्तान बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।